ये देखो भगवान बुद्ध का यहाँ पे प्रतिमा और साथ में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखा है। यहाँ से एक ओवरब्रिज बनने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आपको यहाँ पे भी रोड जो है वो टूटा फूटा दिख रहा होगा। NH-83 का काम यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी हम लोग हैं बेला में और आपको पता ही है कि मैं गया पटना 4-lane highway का अपडेट दे रहा हूँ और अपडेट में अभी पहुँचा हूँ मैं बेला मोड़ पे ही हूँ। ये आप देख सकते हो, ये जो पुराना वाला बेला वाला रोड है जो गया की तरफ से पहले आता था और बेला बाजार से होके आगे निकलता था, वो वाला यहाँ पे मोड़ है और आगे में ही बेला काली माँ का मंदिर वाला मोड़ है। और ये हमारे पीछे जो आप रोड देख रहे हो, ये न्यू 4-lane road है, जो नया 4-lane road गया से आ रहा है और सॉरी डोभी से आ रहा है, वो वाला रोड है। तो यहाँ से आगे मैं आज के वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। बने रहो आप लोग और इस अपडेट को पूरा देखो और आप लोग कमेंट करके बताना भी आपको यह अपडेट कैसा लगा। ओके, फिर चलते हैं हम लोग अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। और अगेन आज के वीडियो में फिर से होंगे हमारे साथ संतोष, अभी मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं मुझे, तो ठीक है चलते हैं यहाँ से। अब ये देखो फ्रेंड्स, यही वाला मोड़ की मैं बात कर रहा था, ये पुराना वाला मार्केट, मतलब आप कह सकते हो बेला बाजार से आने वाली रोड है जो कि यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ये देख सकते हो इस मोड़ पे ये जो है मिल जा रहा है और यहाँ पे सामने में ये आपको बेला काली माँ का मंदिर वाला मोड़ मिल जाएगा। तो ये जो आप मोड़ देख रहे हो ना, ये काली माँ मंदिर की तरफ चला जाता है, इधर से ये चला जा रहा है, पहचान में नहीं आ रहा होगा बट हाँ यही मंदिर जो है, यही रोड जो है आगे काली माँ का मंदिर की तरफ जाता है। संतोष बहुत डाउट में लग रहा है भाई, यही जाता है अंदर, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। हाँ तो ये सब कुछ अभी हाल में अभी तो काम चल रहा है, ये देख रहे होगे। हालांकि मैं इसका अपडेट एक बार और दिया था यहाँ तक का, तो उसमें भी कुछ नहीं था, तो ये काम अभी हो रहा है ना, रिसेंटली अभी कम्प्लीट ही किया जा रहा है, अभी बहुत सारा काम जो है वो बाकी भी है। आपको यहाँ से शायद बेला का काली मंदिर दिख जाएगा, वो जो आप सामने देख रहे हो वो नया वाला जो शिव का मंदिर है, भगवान शिव का वो वाला है, उसी के थोड़ा सा आगे जो है काली मंदिर आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा गुंबद जो है ऊपर का जो पोर्शन होता है वो दिख रहा है, वो सामने में वही काली माँ का मंदिर है। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से आगे चलने वाले हैं। सो इसके फर्स्ट पार्ट, इसके प्रीवियस पार्ट में आपने चाकन से बेला तक का सारा अपडेट देखा, तो मैं चाकन मोड़ से जहाँ पर रेलवे ट्रैक है वहाँ से शुरू किया था और बेला काली मंदिर तक जो है वो पहुँचाया। और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेला काली मंदिर वाले मोड़ से और देखता हूँ आगे कहाँ तक जाता हूँ और क्या अपडेट है। कोटेश्वरनाथ धाम का रास्ता यहाँ से कट जाता है भाई, अभी हाल में ही कोटेश्वर महोत्सव था जहाँ पे हम सोचे थे आने के लिए बट आ नहीं पाए थे, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यार, यहाँ के बाद भी 11 किलोमीटर है। सो यहाँ तक मुझे लगता है कि गया से 20-22 किलोमीटर हमने चल दिया, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा सा काम अभी इनकम्प्लीट है जैसा कि आप देख भी रहे हो। अभी हम लोग बेला से करीब 3 किलोमीटर आगे निकल गए हैं बेला मोड़ से, जहाँ से यह वीडियो स्टार्ट किया था। ये जो डिवाइडर देख रहे हो, डिवाइडर में प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्लांटेशन हो जाने से क्या होता है, ग्रीनरी होता है थोड़ा और अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिवाइडर को बीच से बनाया भी नहीं है, मुझे लगता है रोड ही नहीं बना हुआ है आगे भाई, हम लोग को मुड़ना होगा इधर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जहानाबाद सीमा में प्रारंभ कर गए हैं, ये आप सामने यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो दिखा, और यहाँ से एक ओवरब्रिज बनने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आपको यहाँ पे भी रोड जो है वो टूटा फूटा दिख रहा होगा। NH-83 का काम यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है, पूरा बनने का इंतजार है दोस्तों, एक बार पूरा बन जाएगा ना तो मैं फिर से एक अपडेट दूंगा और एक ही वीडियो बनाऊंगा पूरे गया से सॉरी डोभी से लेकर सीधे पटना तक, काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिक वीडियो बनने वाला होगा वो। हाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा बट बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि कितना किलोमीटर पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अभी ये रोड तो गूगल मैप में भी नहीं दिखाएगा आपको जब तक ये पूरी तरीके से स्टार्ट ना कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट हमेशा इसमें ऑर्डर मांग रहे हैं कि काम तब तक कंप्लीट होगा इसका, और यहाँ पे ब्रिज बनने का मतलब भाई ज़रूर कोई मोड़ होगा यहाँ पे आसपास में किसी गांव का या किसी लोकेशन का, मुझे लगता है यही वाला ब्रिज रोड के लिए बना रहा है।
ताकि वो नीचे नीचे निकल जाए और ये ऊपर से क्रॉस करता हुआ बाहर आ जाए। भाई यहाँ पे धूल देखो, ये सामने ये जो आप रोड दिख रहा है ना, इसी के कारण शायद ये ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और इधर जो है काम अभी इनकम्प्लीट है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे काम जो है वो किया जा रहा है। पहले रोड बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले लगता है मिट्टी डाली जाती है। ये देखो भाई, कैमरा के लेंस पे पूरा धूल आ गया होगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बेला से करीब 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 6 किलोमीटर आगे निकल गए हैं और अभी किसी जगह पे पहुँचे हैं। जगह का लोकेशन तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे भी आपको एक ओवरब्रिज बनता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि बेला से स्टार्ट करने के बाद ये दूसरा ओवरब्रिज है। सामने आपको बोर्ड भी देखने को मिल रहा होगा, NH 83 KZ 2। सो यहाँ से अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है इनकम्प्लीट है। और सामने अभी तक ना दोस्तों हम लोग को डस्ट देखने को नहीं मिला था, बट अब दिख रहा है भाई, धूल ही धूल दिख रहा है चारों तरफ यहाँ पे ये ओवरब्रिज का काम। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामी लिखा है। ध्यान से थोड़ा सा संतोष दिखा दो भाई, ये देखो भगवान बुद्ध का यहाँ पे प्रतिमा और साथ में बुद्धम शरणम गच्छामी लिखा है। तो ब्रिजेस बनते हैं, इस पर अगर कोई मैसेज लिखा जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे भाई, इसको खड़ा कैसे किया जाता है यार, देख रहे हो, लकड़ी लगा के इसको बैनर मतलब अजीब सा खड़ा कर दिया है। अगर इस तरीके का रोड पूरा गया टू पटना जिस दिन कंप्लीट होगा ना, उस दिन भाई गया टू पटना का डिस्टेंस जो है, या डोबी टू पटना का डिस्टेंस कहीं ना कहीं खुद में घट जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत हमने किया था बेला से और बेला से अभी हम लोग करीब 10 किलोमीटर आगे पहुंच गए हैं और शायद इस जगह का नाम मुशी बताया अभी एक भैया से पूछे तो, जो कि मखदुमपुर के ही पास में आता है, मतलब मखदुमपुर के जस्ट बगल में है। जैसा कि वो बता रहे थे कि बीच में अभी यहाँ पे एक नदी है और नदी के उस तरफ मखदुमपुर है और ये मुशी जगह है। तो इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक का अपडेट आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो मुशी जगह है, यहाँ पर एक नदी पड़ती है बीच में, जैसा कि मैं नदी देख पा रहा हूँ, और वहाँ पे ये ब्रिज का निर्माण अभी चल रहा है, ये ओवर ब्रिज यहाँ पे आप देख रहे हो। तो एक पुल यानी आप कह सकते हो उसको, उसका निर्माण चल रहा है और अभी गाड़ी का शायद आना जाना नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 ऑटो वाला मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हो गए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ से आगे की वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। ओके, फिर बाय, टेक केयर।